क्या नाम है बाबू आपका बताइए? यहाँ पे दरगाह गगनपहाड़ शरीफ पे। कहाँ पर रही है ये? गगनपहाड़ पे शमशाबाद से 4-5 किलोमीटर दूर पे जी। यहाँ पे मजार शरीफ थी, यहाँ पे जो मिट्टी डालकर त्याग कर दिए, डेली जियारत करते यहाँ पे दरगाह पे, और जो रहना यहाँ पे दो बहुत बचपने से देखते हैं यहाँ पे दरगाह को, ये जियारत होती थी यहाँ पे। आज मिट्टी डाल के इसको क्या कर दिए, वो तो पूरा त्याग कर दिया दरगाह को। यहाँ पे गगनपहाड़ पे ये आजू बाजू वाले लोग बोल रहे हैं, ये आजू बाजू वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारा मसला है, बल्कि बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहे हैं अभी तक। और यहाँ पर MLA साहब, इससे पहले त्याग हो रहा था ये, तो MLA साहब ताज बाबा लोग आके काम पे रुका दिए थे, रोड त्याग कर दे रहे थे। तो इससे पहले अभी यहाँ पे हमारे भाई, इसको फोन करते हैं, बोलूँ भाई मैं आया यहाँ पे 6:30-7 बजे के दरमियान में आया, मुबीन भाई बोल के है एक IAN न्यूज़ चैनल के, उनको कॉल करा, कॉल कर लेके हमारे दोस्त अड्डो को लेके, पाशा खादरी साहब है जो MLA है, ex-MLA है, उनसे बात करा तो उन्होंने बोले एरिया PS में जाके कंप्लेन कराओ, भाई वहाँ पे आ रहा हूँ। और पाशा खादरी साहब भी ऑन द वे आ रहे हैं बोले कंप्लेन करने के लिए। यहाँ एक दरगाह शरीफ भी थी, एक चिल्ला भी था, मैं भी कई अर्से से कभी कभी जाना आना हुआ तो मेरा देखता था कभी कभी, भाई रेगुलर नहीं देखता था मगर कभी कभी जाना हुआ तो देखता था। उसको डिमोलिश कर दिए और रोड लेवल कर दिए पूरा, इतना ही है सब। एरिया कहाँ पे बताए? रानी है ये जी। आमिर साहब बोलो, आप बोलिए भाई। मैं यहाँ पे आया 7-8 बजे के टाइम आया जी। IAN न्यूज के मुबीन मिर्जा बोल के रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट, उनसे बात करा। और चार मीनार ex-MLA जो पाशा खादरी साहब है, उनसे भी बात करा तो पाशा खादरी साहब बोले आप जाओ कंप्लेन करो, कौन डिमोलिश करे क्या है मालूम करो। तो हमारे को यहाँ आने पे मालूम पड़ा कि गांव वाले अंदर के डिमोलिश करे, और हम सामने जाके आए, वो एक शॉप है वहाँ पे पानीपुरी की, वो शॉप पे जाके बंदे से बात करे तो वो बंदा और एक लड़के से बात कर रहा है, तो वो हमारे को बोल रहा है कि गाँव का मामला है भाई, बहुत टाइम से चल रहा था, GHMC में भी डाले थे डिमोलिश के बाद से, और रोड पे डिस्टर्बेंस हो रहा था। और मैं यहाँ के जो MLA है प्रकाश गौड़ साहब, उनसे भी बात करा था फोन कर, उन्होंने बोले ये डिमोलिश होने की वजह क्या है साहब, बीच रोड में है बोलकर बोल रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बोल के। कांस्टेबल नवीन है यहाँ के, ये जो PS के नवीन है कांस्टेबल, उनका पिया लगता है, यहाँ से डिमोलिश कर देंगे वो दरगाह के और दरगाह शरीफ को वहाँ पे शिफ्ट करके बोल रहे हैं। अच्छा, और मैं मेरी हुकूमत से इल्तिजा है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, और अकबर साहब, असद साहब, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी हो, इसके ऊपर एक्शन लेना। कौन सा पिया सकता था? शमशाबाद और ये RGIPS लगता कहते भाई। और यहाँ के ऑफिसर रैंक जो है अभी तक आए नहीं, हम लोग आगे 3-3.5 घंटे के ऊपर हो गया। यहाँ के DCP को कॉल करे, ACP को कॉल करे, पाशा खादरी साहब अभी तक आए नहीं। 1-2-3-4 कॉन्स्टेबल्स है जो यहाँ पे अवेलेबल हुए, और हमारे को रेस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा है जो पुलिस से और शमशाबाद से। ये जो गांव वाले है उनका इसके अंदर हाथ है, उन्होंने बोल रहे हैं कि गांव का मामला है। ये गांव का मामला कैसा होता भाई? क्या दरगाह थी, गौसिया पाक का छिल्ला था, ये गाँव का मामला कैसा आता? गाँव वालों के जागीर है क्या किसी की? ये गौसिया पाक का छिल्ला था, यहाँ पे दरगाह शरीफ थी, डिमोलिश कोई भी कैसा करता? प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, अगर इनकी प्रॉपर्टी हो या मेरी हो, मैं भी डिमोलिश नहीं कर सकता। दरगाह शरीफ हो या गौसिया पाक का छिल्ला हो, कोई भी नहीं कर सकता डिमोलिश उसको। बस आगे क्या भाई से पूछिए क्या है, रेगुलर भाई आते जाते थे हमारे, अली कुरैशी नाम है इनका, डेली जियारत होती थी भाई, यहाँ पर डेली आना जाना था यहाँ पे दरगाह पे, ये इधर से गुजर होती तो डेली जियारत करता हूँ। एक मिनट, एक दिन मैं आज सुबह में गया यहाँ से, अभी 6:30-7:30 के टाइम पे आया तो मिट्टी थी यहाँ पर, मिट्टी देखकर मैं बहुत परेशान हो के सबको ग्रुप में मैसेज भेजा और कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। शमशाबाद में भी लोगों को फोन करा मैं, कोई रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। एक 4-5 जने आए, अभी भाई लोग आए हुए दोस्त हमारे, धैर्य भी अभी इंतजार कर रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दिया आप लोग? नहीं नहीं, अभी नहीं, बड़े कोई नहीं आ रहे यहाँ पे। अच्छा, बड़े कोई भी नहीं आ रहा? बड़े कोई नहीं आ रहे, प्राइवेट मसला है बोल रहे हैं। कंप्लेंट करे आप लोग? नहीं, कंप्लेंट अभी टाइप कराने के लिए भेजा है बच्चे को, वो पेपर टाइप करा लेके PS को जाएंगे, शमशाबाद RGI जो PS बोले भाई, वो PS जाएंगे और वहाँ पे आशा खादरी साहब MLA आएंगे उधर। आपको किसी पे शोभा है? शोभा क्या भाई, ये गांव वालों का काम है, यहाँ पे बीच में दरगाह है, छिल्ला है, डिमोलिश हो गया, शोभा की क्या बात है? ये कैसा डिमोलिश करते, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना, पहले सख्त कार्रवाई होना इसके ऊपर।
चार साल पहले भी हो रहा तो यहाँ पर आजकल ऐसा हो गया, कई सारे मस्जिदा हैं आप हैदराबाद शहर में दे सकते, डिमोलिश कर दे रहे हैं। कुछ एक नया रीजन बता रहे हैं, परसों भी हालिया कुछ बालापुर के अंदर कुछ हादसा हुआ था दरगाह का, वो ग्रुप में देखा था मैं न्यूज में मेरे पास में, तो ऐसा कैसा हो रहा साहब? ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सो रही है, नींद में है क्या हुकूमत? सीएम साहब क्या कर रहे हैं? सीएम साहब को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ के एमएलए क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे हैं? एमपीटीसी वगैरह क्या कर रहे हैं? कौन है यहाँ के जिम्मेदारान? कौन है या यहाँ के जिम्मेदारान भी मिले हुए हैं क्या ये एरिया के शमशाबाद के? हमको भी मालूम होना, जनता है भाई, आपको वोट देके बुलाई, दरगाह चले गए यहाँ से, चिल्ला चले गए यहाँ से, जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? सही है अली कुरैशी भाई, गलत है बात? बिल्कुल, गगन पहाड़ का कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर मुसलमान अभी तक। अभी यहाँ तक कोई भी हाजिर नहीं है, यहाँ के लोग जितने हैं कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। हम भी जानना चाह रहे हैं ये कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, कुछ पॉलिटिकल मसला है क्या? हम भी बोला है पाशा खादरी साहब को नहा रहे, हम भी कंप्लेन करेंगे, पेपर टाइप करा के इंशाल्लाह हम पीएस जाएंगे, मालूम होगा हमारे को भी क्या है, आगे ही कार्रवाई इंशाल्लाह करेंगे हम भी, कैसा होता क्या होता करेंगे, बिल्कुल रुकने वाले नहीं है हम भी।